हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। कैसे हैं आप लोग? आज नाइन्थ क्लास की ओर चलते हैं। क्षितिज जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ पढ़ेंगे हम, दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है जिनको हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद एक बहुत विख्यात साहित्यकार रहे हैं। उनका जन्म 1880 में हुआ था, बनारस के लम्हे नामक स्थान पर हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। इन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण करी, फिर शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी भी मिल गई। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो इन्होंने देशभक्ति का परिचय देते हुए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अंग्रेजों की गुलामी करने के बजाय इन्होंने आंदोलन में कूदना उचित समझा और 1936 में इस महान कथाकार का, साहित्यकार का निधन हो गया। लेकिन ऐसे साहित्यकार जिन्होंने किसानों की दुर्दशा, दलितों का शोषण, स्त्रियों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार, इंसान और जानवर के मध्य संबंध को कैसे स्थापित किया जाए, बहुत सारी रचनाओं से हमें ये परिलक्षित होता है कि इन्होंने समाज की समस्याओं को कितने सरल और सीधे शब्दों में उठा लिया। गोदान हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। गोदान इनका एक इतना प्रमुख उपन्यास है। बहुत सारे उपन्यास, कथा, निर्मला, रंग सदन, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने समाज, देश की दुर्दशा की बहुत अच्छे से उनको वर्णित किया है। तो एक ये जो कथा है, दो बैलों की कथा, ये उसी में से एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसमें उन्होंने इंसान और जानवर के मध्य कैसे संबंध स्थापित होता है, कैसे इंसान और जानवर का वार्तालाप, कैसे इंसान जानवर आपस में वार्तालाप करते हैं, कैसे वो वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति, इन सब विषय को इस चैप्टर में, इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने दर्शाया है। तो आइए हम कहानी का सार देखते हैं। कहानी का सार क्या है कि एक झूरी नाम का कांची होता है, किसान होता है, उसके दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। दो बैल बहुत स्वस्थ थे। हीरा उनको, जो झूरी था उनको खूब प्यार करता था और अपने बच्चों की तरह रखता था, उनको खूब अच्छे से खिलाता पिलाता था और वो भी अपने मालिक के खूब वफादार थे, उसका पूरा कार्य करते थे, उसके साथ रहते थे, खेतों में हल चलाते थे, शाम को आके उनको खाना खिलाया जाता था और वो खुश थे सभी। एक बार क्या हुआ कि झूरी का साला आ गया। झूरी का साला ने उसके बैलों को देखा तो उसके मन में लालच आ गया, तो उसने झूरी को कहा कि तू ये बैल मुझे दे दे। झूरी ने बैल दे दिए, अनमने मन से दे दिए अपने साले को। वो लेकर बैलों को चल दिया, लेकिन जो बैल थे वो खुश नहीं थे। भाई अपना देखो बच्चों, हम अपना घर नहीं छोड़ पाते, तो इंसान जब अपना घर नहीं छोड़ पाता उसके पास तो दिमाग होता है, हम बोल सकते हैं, लेकिन जानवर बेचारे वो तो बोल नहीं पाते, वो संवाद कैसे करें, उनके हाव भाव ही इनका संवाद होते हैं। तो उनके हाव भाव से हमें प्रतीत हो रहा था, ये झूरी को लग रहा था कि ये जाकर खुश नहीं है, लेकिन बेचारे क्या करते हैं, कुछ बोल नहीं सकते थे। गया उनको जबरदस्ती अपने गांव ले गया। वहां जाकर बैलों ने खाना पीना छोड़ दिया, तो उसने जो था सूखा भूसा डाल दिया बैलों के सामने, बैलों ने नहीं खाया। बैल जो थे रात को दीवार फांद के, रस्सी तोड़ के वापस झूरी के घर आ गए। वापस झूरी तो उनको देखकर एक बार तो उसने सोचा ये कैसे हुआ, लेकिन वो उनको देख के खुश हुआ कि चलो मेरे बैल मेरे पास आ गए। लेकिन जो झूरी की पत्नी थी उसको बहुत बुरा लगा कि वो उसके भाई के घर से वापस आ गए वो बैल। उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका भाई लेके गया था। तो उसने क्या किया, उसने मजदूर को बोला कि इनको रूखा सूखा भूसा डाल दे, इनको भूखा रख। बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन बैल फिर भी कहीं ना कहीं संतुष्ट थे। क्यों संतुष्ट थे? क्योंकि वो अपने मालिक के घर आ गए, वो संतुष्टि उनके भूखे रहने से भी खत्म नहीं हो रही। लेकिन क्या हुआ, वो झूरी का साला गया फिर से आ गया। तो क्या हुआ, फिर से आने के बाद वो फिर ले गया बैलों को ले गया। तो बैल बेचारे अनमने मन से फिर चले गए। क्या करते, जो उनमें से हीरा और मोती में से जो मोती था वो गुस्सैल था। हीरा समझदार था, हीरा ठंडे स्वभाव का था, और मोती जो गुस्सैल था, मोती का मन किया कि जिस गाड़ी में वो जो गया था झूरी का साला वो सवार है, उसको गिरा दे गड्ढे में।
लेकिन हीरा ने उसको समझाया कि भाई इनको तू गिराएगा, गाड़ी को गिराएगा तो साथ हम भी गिरेंगे। मोती को बात समझ आ गई, उसने नहीं गिराया, उसको घर तक लेकर चला गया। घर जाने के बाद वो उसने फिर से वही बैलों के साथ बुरा व्यवहार किया। वो सूखा खाना पीना उनको कुछ अच्छे से नहीं मिल रहा था, ना उनका मन लगता था। तो बेचारे पड़े रहे, क्या करते, बंधे रहे, पशु थे, निर्बोध थे, बोल नहीं सकते थे। वहां एक छोटी सी बच्ची रहती थी गया के घर में, उसकी माँ नहीं थी और सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। तो वो समझ गई कि जब असल चीज से हटकर सौतेली चीज कोई होती है तो वो व्यवहार कितना गलत करती है, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही थी। उधर से वो समझ गई कि बैल के असली मालिक के पास, अब ये सौतेले मालिक के पास आ गए हैं तो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। तो उसने एक दिन क्या किया, वो उनको रोज रोटी खिलाने आती थी बैलों को, जो छोटी सी लड़की थी। तो बैल भी खुश हो गए, बैल की उनकी लड़की के साथ मित्रता हो गई। तो एक दिन लड़की ने क्या किया, उनके रस्सी खोल दी कि तुम जाओ आजाद हो। लेकिन बैल बेचारे नहीं भागे, कि बैलों ने सोचा अगर तुम भागोगे तो सारी बात इस लड़की पर आएगी, इस लड़की को इसकी माँ पीटेगी, फिर ये परेशान होएगी। तो वो नहीं भागे। तो लड़की ने क्या किया, शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़की उनको बार बार कह रही है कि आप तुम जाओ तुम जाओ। शोर मचाने के बाद वो बैल भाग गए, भाग गए तो निकल लिए वो रात को। लेकिन भाई बेचारे थे तो पशु ही, बहुत दूर थे घर से, तो घर का रास्ता नहीं मिला, झूरी के घर का रास्ता उनको नहीं पता चला। तो वो किसी के खेत में घुस गए, मटर का खेत था, खूब जी भर के उन्होंने मटर खाई वहां पे और आराम से सुस्ताने लगे। इतने में एक सांड आ गया वहां पे, सांड के साथ दोनों ने लड़ाई कर ली, दोनों ने मिलजुल के सांड को वहां से भगा दिया, सांड को भगा दिया। लेकिन वो झूरी वहां पे आ पहुंचा, झूरी का साला गया वहां पे आ पहुंचा, वो उनको ले गया। थोड़े दिन के बाद झूरी ने क्या किया, बैलों को किसी कसाई के हाथ बेच दिया। कसाई से पहले क्या हुआ, उन बैलों को कोई मवेशी पशु रखने वाला ले गया, उनको वहां मवेशी खाने में रख दिया। मवेशी खाने में रखने से क्या हुआ, वो बैल तो बंध गए बेचारे, लेकिन एक दिन वो मवेशी खाने को तोड़ के भी पहुंचने वाले थे। इतने में कोई कसाई आ गया, कसाई उनको ले गया। बैलों ने सोचा लो भाई अब तो अंत नजदीक आ गया, अब क्या किया जाए। वो लोग उस कसाई खाने को छोड़ के और भाग गए। भाग गए तो झूरी के पास पहुंच गए, पीछे पीछे कसाई, आगे आगे बैल। झूरी के पास पहुंच गए, कसाई कहता है ये तो मैंने खरीदे हैं पैसे देके। और वो बोला, झूरी कहता है नहीं ये तो मेरे बैल हैं, ये तूने कैसे खरीद लिए, ये तो मैंने मेरे साले को दिए थे और ये वहां से भाग गए, अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। तो झूरी से मिलकर बैल खुश हुए। झूरी के पास जब बैल पहुंच गए तो उनको लगा कि हम अपने घर आ गए हैं। झूरी की पत्नी ने भी बैलों का स्वागत किया और उनको बहुत अच्छा लगा। तो कहानी यही समाप्त होती है। लेकिन बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कि जानवर जो होता है वो वफादार होता है अपने मालिक के प्रति, तो मालिक भी उतना ही वफादार होना चाहिए अपने जानवर के प्रति। जब जानवर दिन रात मालिक की सेवा करता है तो उस मालिक का, उस इंसान का भी फर्ज है कि अपने जानवरों की रक्षा करे, उन्हें अच्छे से खिलाए पिलाए, उनकी सेवा करे।